हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे और अच्छे बने रहना। तो जैसे गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग टेनिस से खेलते हैं, ठीक है, टेनिस बॉल से खेलते हैं, जो कि मैं भी बहुत पहले ज़्यादा खेलता था और अभी भी मैं बीच खेलता हूँ। तो उसी बारे में आज बात करेंगे, उससे सिक्स ऐसे मानना है, ठीक है, वो सारी टिप्स आपसे शेयर करूँगा। कॉस्को के बॉल से क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में भी आज आपको बताऊँगा। तो उससे पहले ये ऐड देख लीजिए। एक जीवन, एक नियम, एक मैच, एक उद्देश्य, एक कार्यवाही, एक मौका, वन एक्सपेंस। तो जाइए गाइस, $100 तक का बोनस पाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि टेनिस बॉल से खेलने में फ़ायदा क्या है, जो कि लेदर बॉल प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है। तो इससे क्या होता है, बैट स्पीड अच्छी होती है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, टेनिस से काफ़ी लंबे शॉट जाते हैं अगर आपका बॉटम हैंड अच्छा हो और बैट स्पीड अच्छी हो। तो ज़्यादातर हमें क्या ध्यान रखना है, बॉटम हैंड का और अपनी बैट स्पीड का, तो उस बारे में बात करेंगे। देखिए गाइस, बैट स्पीड पे मैंने पूरी प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। तो देखिए, इस बैट स्पीड एक पता क्या होता है, अगर आप 2-3 बैट पकड़ लेंगे और उसको लेके एक प्रॉपर एक यू करेंगे ना, ठीक है, तो उससे बैट स्पीड बढ़ती है, क्योंकि होता है क्या है कि बैट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, 3-4 बैट अगर आप एक साथ पकड़ते हो तो भारी होंगे, तो उसके बाद अगर ये वाला बैट पकड़ेंगे ना, हल्का वाला, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्पीड आ पाएगी इस पर। तो गाइस, अब बात करते हैं स्टांस कैसे लेना है। देखिए गाइस, जैसे हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेट में स्टांस लेते हैं, वैसा ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बट इसमें आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा ना जो एक बैट स्विंग होता है ना, बैट स्विंग आपका वो होना चाहिए प्रॉपर। बैट स्विंग आता कैसे, जब आप ऊपर से लेके आते हो, ठीक है, जितना ऊपर से लेके आओगे उतना स्विंग मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिए और अपना कलाइयों, ठीक है, बॉटम हैंड ये देखिए, तो ऊपर से लेके आना आपको बैट। तो देखिए, और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये होता है सिक्सेस मारने के लिए ग्रिप। अगर आपका ग्रिप अच्छा नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है कि सिक्स मार पाए, क्योंकि क्या होता है ना कि ग्रिप क्यों पकड़ा, मतलब ग्रिप अच्छा क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक होता है बैट छूट जाता है, अगर बैट छूट जाएगा तो सिक्सेस लगेगा नहीं। तो इसलिए देखिएगा, इस पोजिशन में देखिए, ये देखिए, इस पोजिशन में रहना, जैसे हमेशा पकड़ा जाता है वी शेप में, वैसे ही पकड़ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, इस हाथ को थोड़ा सा ढीला पकड़ना है ताकि फ्लेक्सिबल हो पाए, अच्छे शॉट पाए, घूम पाए शॉट, ठीक है, और इसको टाइट पकड़िए ताकि बैट हाथ से छूटे ना। तो देखिए इस पोजीशन में ये है। तो देखिए गाइस, हमेशा याद रखिए कि जब कॉस्को से खेलने जा रहे हो तो ऊपर से थोड़ा पकड़े, ठीक है, ऊपर से, ताकि अच्छे से एक फ्लो मिल पाए। जैसे ऊपर से पकड़ते ना, जब नीचे लेके आएंगे ना, तो अच्छे से एक फ्लो मिलता है। तो देखिए गाइस, बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं, जो हम लोग लेदर बॉल से खेलते हैं और जो टेनिस बॉल से खेलते हैं, इसमें ज़्यादा लंबे छक्के किसमें जाते हैं? तो देखिए, देखा जाए तो जो लेदर की बॉल होती है उससे ज़्यादा लंबे छक्के जाते हैं, बट अगर टाइमिंग और बैट अच्छा नहीं हुआ तो सिक्सेस में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल जो बंदे खेलते हैं लेदर बैट से, वो उतने अच्छे नहीं होते हैं कि जो पार कर पाए स्टेडियम। बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, उनके पास अच्छे खासे बैट्स होते हैं अवेलेबल, ठीक है, ऊपर से टाइमिंग, ऊपर से ट्रेनिंग, सब कुछ हो रखी होती है, हो रखा होता है उनके साथ। तो इसीलिए जो कॉस्को की बॉल से है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सिक्सेस मारने के लिए, आपका बस बैट स्विंग अच्छा होना चाहिए। यह है कि ज़्यादातर सिक्सेस कॉस्को के बॉल से जाते हैं, बट अगर लंबे छक्कों की बात करोगे तो सीजर बॉल, ठीक है, सीजर बॉल से ज़्यादा अच्छी जाएंगे लंबे छक्के। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ अपना बैट स्विंग देखना है, ठीक है, स्टांस वगैरह उतना कोई मैटर नहीं करेगा, बैट स्विंग अच्छी होगी, ठीक है, आपका अगर आपका जो बैट लिफ्ट है वो ऊपर से आ रहा है तो अच्छे खासे लंबे छक्के आप इजीली इसमें मार सकते हैं। तो देखिए, सिक्सेस मारने के लिए आप लोगों को और क्या करना पड़ेगा, बैट अच्छा लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जब लेदर बॉल से खेलते हैं, उसके लिए हम लोग एक बहुत अच्छा बैट चूज करते हैं ताकि अच्छे से सिक्सेस पड़ पाए। वैसे सेम है इसमें भी, वैसा ही, अगर इसमें अगर आपका बैट बेकार हुआ तो सिक्सेस मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ कुछ बैट होते हैं छोटे पतले, तो उतना एक आइडिया नहीं होता, साइड से निकल जाता है, नीचे से निकल जाता है, तो इसलिए बैट अच्छा चूज करें। और क्या करना है आप लोगों को, वेट, इसका वेट कम ही हो तो अच्छा है, जैसे 800 ग्राम तक हो तो अच्छा होता है, ठीक है, लेदर का बैट होता है 1400 ग्राम तक का, बट वो लेदर का होता है, ये बैट 800 ग्राम तक के हो तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, अच्छे खासे चल पाते हैं, 800 ग्राम 900 ग्राम के अंडर ही ले, उससे ज़्यादा ना ले, 950 भी चल सकता है, बट उससे ज़्यादा ना ही ले। तो गाइस, अब बात करते हैं बैट ग्रिप की, जो हम लोग पकड़ते हैं बैट उस बारे में बात नहीं करना, जो लगे हुए आते हैं बैट के उस बारे में बात करेंगे। देखिए पहले ये ग्रिप देख लीजिए आप, ये ग्रिप हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम लोगों को इस पर कोई ग्लव्स वेयर नहीं करना होता जब हम लोग कॉस्को की बॉल से खेल रहे होते टेनिस बॉल से, तो ये ग्रिप अच्छे खासा हाथ पे बैठते चिपक जाते हैं, तो छक्के मारने में इजी हो जाता है। एक होते प्लेन ग्रिप, उसको ना ले क्योंकि फिसल जाता है हाथ, तो वो बहुत बेकार होगा जो कि कॉस्को की बॉल से खेलते हैं। तो देखिए, कॉस्को से छक्के मारना इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, कॉस्को से इजीली आप छक्के मार सकते हो, हर बॉल पर मार सकते हो, लंबे भी मार सकते हो, तो इसमें कॉन्फिडेंस लेके खेलिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
तो बस यही ध्यान रखिए कि हमेशा जब बॉल आ रही हो तो मिडल पे लगे, मिडल पे लग के ही छक्का फिक्स है, और अगर तेज बॉल आ रही हो तो और ज़्यादा फिक्स है। तो अब बात करते हैं गाइस गिव अवे की। तो देखिए अब मैं गिव अवे करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के एंड में बोला है कि ताकि बहुत लोग होते हैं ना स्टार्टिंग में गिव अवे का पार्ट देख के चले जाते हैं और वीडियो देखते नहीं, तो इसलिए मैंने एंड में देखा है, पता चल जाएगा कि किस लोगों ने मेरा एक गिव अवे का पार्ट देखा है कि नहीं। तो उसमें मैं बैठ के गिव अवे करने वाला हूँ, तो नीचे कमेंट कर देना जिस जिसको पार्टिसिपेट करना है, बट ये अभी अनाउंसमेंट नहीं है, प्रॉपर एक अनाउंसमेंट अभी होगी एक वीडियो में आने के बाद। तो इसलिए मैं पहले से लोगों को बता दे रहा हूँ कि ताकि ये मिस ना करें कि बहुत लोग बोलेंगे हमने तो वीडियो का पार्ट ही नहीं देखा गिव अवे का, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ही सतर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को खत्म करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, तो एंड करो इस वीडियो को, चलिए बाय। और हाँ, टेनिस बॉल से खेलने का मतलब एक और ये फायदा होता है कि आप बाउंसर भी खेल सकते हो, क्योंकि टेनिस बॉल से बहुत ज़्यादा बाउंसरें आती हैं। तो बाय।